हम लोग को यहाँ पर बंधक बना लिया गया, और जो हम लोग पास में कुछ पैसे से थे, कितने थे, एक आदमी का 1200 रुपया, एक आदमी का 300 रुपया ले लिया, और मोबाइल सबका तीन आदमी का ले लिया। नमस्कार, डीएसटी न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के धनबाद जिले के पुटकी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दर्जनों अपराधियों ने हथियार के बल पर सीसीएल कर्मियों को बंधक बनाकर किया लूटपाट। विरोध करने पर कर्मियों के साथ की मारपीट, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से नदारद दिखी, तो वहीं दहशत में है कर्मी। क्या कुछ है पूरा मामला, जाने हमारे इस खास रिपोर्ट। धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल 6 नंबर कोलियरी में बीती रात दर्जनों की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर बीसीसीएल कर्मियों को बंधक बनाकर कोलियरी परिसर के बत्तीघर गोदाम में ताला तोड़कर जमकर लूटपाट किया। घंटों लूटपाट करने के बाद सभी कर्मियों को एक कमरे में बंद कर फरार हो गए। विरोध करने पर कर्मियों की पिटाई भी अपराधियों द्वारा की गई। घटना से बीसीसीएल कर्मियों में दहशत का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर भी ड्यूटी करने को विवश है। वहीं बीसीसीएल कर्मियों ने कहा कि देर रात दर्जनों की संख्या में हथियार के साथ आए अपराधी कोलियरी परिसर आकर लूटपाट किया। अपराधियों के पास पिस्टल, चाकू, रॉड थे। ड्यूटी में मौजूद सभी कर्मियों से मोबाइल एवं नगद भी छीन लिया। एक कमरे में बंद सभी को कर लूटपाट किया गया। अपराधियों के जाने के बाद सुबह आए कर्मियों ने उन सभी को कमरे से बाहर निकाला, जिसके बाद सुबह में हम लोगों ने घटना की जानकारी बीसीसीएल प्रबंधक को दिया। लगातार अपराधी कोलियरी को निशाना बनाकर लूटपाट करते हैं। हम लोगों ने कई बार बीसीसीएल से सुरक्षा की मांग की है। पहले सीआईएसएफ की तैनाती रहती थी, पर अब सीआईएसएफ हट जाने से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। हम लोग दहशत में रहकर अपना कार्य करते हैं। उन लोगों की मांग है कि सुरक्षा की प्रबंधन व्यवस्था करें। हम लोग को यहाँ पर बंधक बना लिया गया, और जो हम लोग पास में कुछ पैसे से थे, कितने थे, एक आदमी का 1200 रुपया, एक आदमी का 300 रुपया ले लिया, और मोबाइल सबका तीन आदमी का ले लिया। वो लोग 25-30 का संख्या क्या थे उसके पास? उसके पास में 2 पिस्टल था, उसके बाद में छुरा था और रॉड लिए। हम लोग 2:15 बजे वो लोग आया, 3:30 बजे तक वो लोग इसे तांडव मचाया था। ये बत्ती घर है, इसको सूचना हम लोग जो है से प्रबंधक को सूचना दिया गया है। सुरक्षा का मांग के लिए हम लोग गए हुए थे, लेकिन जीएम साहब हाथ उठा दिया कि हम लोग सीएसएफ नहीं दे सकेंगे। लगता है, लेकिन किया क्या जाए, नौकरी करना है तो भाई।